द्वारका जिला पुलिस ने नजफगढ़ इलाके में दिन दहाड़े एक बिजनेसमैन से हुई लूट की वारदात को सुलझाते हुए तीन लुटेरों प्रिंस, मुकेश और अभिषेक को गिरफ्तार किया है। मौज मस्ती और गर्लफ्रेंड को घुमाने के मकसद से इन्होंने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। योजना के मुताबिक ये फेस मास्क लगाकर बिजनेसमैन के ऑफिस में घुसे और बंदूक की नोक पर उसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस को गुमराह करने के लिए इन्होंने वारदात से पहले और बाद में कार और बाइक की अदला बदली भी कर ली थी। गहन छानबीन और अपने गुप्त सूत्रों से पुलिस को सूचना मिली कि लूट की इस वारदात में शामिल तीन आरोपी साईं बाबा मंदिर के पास आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से दो पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, एक कार सहित बिजनेसमैन से लूटे गए 2,22,000 रुपए भी जब्त कर लिए हैं।